Find all the points of discontinuity of f defined by fx is equal to modulus x minus modulus x plus 1. अच्छा क्वेश्चन, पहले मुझे ये बताओ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं, देखो मॉडुलस एक्स का मतलब यही हुआ ना, या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव एक्स होगी या नेगेटिव एक्स होगी, और यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा आपका, जीरो आएगा आएगा। तो मॉडुलस एक्स इक्वल टू या तो एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, यस और नो, ठीक है। और मॉडुलस एक्स प्लस वन इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन, तो एक्स प्लस वन पॉजिटिव वैल्यू कब होगी, जब ये जो एक्स है वो इस क्रिटिकल पॉइंट के या तो इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, ऐसे लिखते हैं। और ये नेगेटिव कब होगा, जब ये इस क्रिटिकल पॉइंट से इसकी वैल्यू छोटी हो, ये क्लियर, ठीक है। आगे देखो, अब ये सारी वैल्यू सब लेके चलते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, मैंने केस वन ले लिया व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन। अब देखो जब x की वैल्यू माइनस वन से कम है तो मॉडुलस x के केस में कौन सा वाली वैल्यू लूंगा, ये लूंगा ना, माइनस वन से छोटा है यानी कि जीरो से छोटा है। अगर x माइनस वन से छोटा है यानी कि मॉडुलस, देखो आपका जो फंक्शन है वो ये है, fx इज इक्वल टू मॉडुलस x और दूसरी वैल्यू क्या है x माइनस वन, यही है ना आपकी, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी जब x जो है माइनस वन से छोटा होगा, तो आपने कहा कि मॉडुलस एक्स वाले केस में तो उसकी वैल्यू फिर माइनस एक्स हो जाएगी, ये ना एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन। तो अगर एक्स माइनस वन से छोटा है तो इसकी वैल्यू तो आप क्या लोगे माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या लोगे माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। तो इसको सॉल्व करके एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, ये क्लियर हो गया। एक्स लेस देन माइनस वन में इसकी वैल्यू ही आ गई, चलो ठीक है आगे चलो। फिर आपने कहा फिर हमने केस टू लिया, केस टू में क्या कहा, जब एक्स की वैल्यू जो है माइनस वन और जीरो के बीच में, ये माइनस वन आ गया, आपके क्रिटिकल पॉइंट दो आए, एक जीरो और माइनस, ये आया था। अब मैं कह रहा हूं जब एक्स माइनस वन के इक्वल है माइनस वन से बड़ा लेकिन जीरो से छोटा है, सारी वैल्यूज देखो कैसे चलेगी आपकी, यहां पर एक्स जो है माइनस वन से छोटा है ये ले लिया, फिर एक्स जो है माइनस वन से बड़ा है और माइनस वन के इक्वल, थोड़ा ऊपर जाओगे फिर एक्स क्या है जीरो से छोटा है, और फिर एक्स क्या है जीरो से इक्वल है जीरो से बड़ा है। तो देखो पहले केस में मैंने इसको सॉल्व किया और फंक्शन की वैल्यू निकाली, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया कि एक्स भैया जो है मेरा माइनस वन से बड़ा है या इक्वल है लेकिन जीरो से छोटा है। और थर्ड केस में क्या हो जाएगा, एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है, तो नारा सभी केसेस में पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो x जो है आपका माइनस वन से बड़ा है या माइनस वन के इक्वल है, तो मॉडुलस x की वैल्यू तो यही आएगी ना माइनस एक्स, माइनस वन के इक्वल, तो मैं अभी तो यही वैल्यू ले सकता हूँ, माइनस वन के इक्वल है माइनस वन से बड़ा तो जीरो से छोटा ही होगा, समझ में आ गया। और यहां से क्या वैल्यू लोगे x प्लस वन, ये क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये समझ में आ गया आपको कि जब x माइनस वन या माइनस वन से बड़ा होगा तब हम उसकी जगह क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स, देखो ये वाला ये वैल्यू पुट करेंगे, जब x जो है माइनस वन के इक्वल है माइनस वन से बड़ा होगा तो यहां से तो देखो जो वैल्यू आएगी आपकी वो माइनस एक्स ही आएगी, और मॉडुलस x प्लस वन से जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली x प्लस वन आएगी, ये कहानी क्लियर, ठीक है। तो जब आपने दोनों की वैल्यू पुट की तो देखो यहां पर तो आ गया माइनस एक्स और इसकी जगह आ गया माइनस ऑफ x प्लस, इसको सॉल्व करके फंक्शन की वैल्यू आ रही है वन, ये क्लियर हो गया। ये मॉडुलस एक्स की जगह क्या आ गया माइनस एक्स, और यहां से क्या आ गया माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ये देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन, यही है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जब एक्स जो है माइनस वन से के इक्वल है माइनस वन से बड़ा लेकिन जीरो से छोटा है, जीरो से क्या है छोटा, तो देखो जीरो से छोटा है तो मॉडुलस एक्स के केस में वैल्यू क्या रखूंगा मैं माइनस एक्स रखूंगा, और मॉडुलस एक्स प्लस वन के केस में वैल्यू क्या लूंगा, जब एक्स माइनस वन के इक्वल है उससे बड़ा है तो एक्स प्लस वन, तो इसकी जगह आपने वैल्यू रखी एक्स प्लस वन, ये क्लियर।
इसको सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस वन, तो ये आ रही है माइनस टू एक्स माइनस वन। क्लियर हो गया? ठीक है चलो जी, ये भी हो गया। फिर आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में आपने क्या कहा, अब जो एक्स है आपका वो जीरो के इक्वल है, जीरो से बड़ा और वन से छोटा। अब ये वाला केस तो कोई है नहीं, नहीं है ना कोई केस ऐसा। आपने केस क्या लिया, एक्स जो जीरो के इक्वल है, जीरो से बड़ा और वन से क्या है छोटा। तो सिंपल सी बात ये है, इसको मैं यही लिख सकता हूं ना फिर, कि एक्स जो है केस थ्री में क्या होगा, जीरो है, जीरो से बड़ा। तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, केस थ्री वो बनेगा ही नहीं। तो केस थ्री में सिर्फ सीधा क्या लिखोगे कि एक्स जो है भैया जीरो है, जीरो से बड़ा है, एक्स की वैल्यू जो है जीरो या जीरो से बड़ी है। ठीक है, तो जहां पर मॉडुलस एक्स की बात है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो या जीरो से बड़ी है। अब देखो जहां तक मॉडुलस एक्स की बात है, तो इसमें कौन सी वैल्यू लोगे, एक्स, सीधी सी बात है। और जहां तक इसकी बात है, इसमें यही वैल्यू लेनी पड़ेगी, माइनस वन के इक्वल है, माइनस वन से बड़ी, वही फिर जीरो से बड़ी हो सकती है। तो यहां पर कौन सी वैल्यू लोगे, एक्स प्लस वन। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपने जब ये दोनों वैल्यूज को रखा होगा तो फंक्शन की वैल्यू कुछ ये आएगी माइनस। अब जितने भी केसेस थे आपके, उसमें आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर दी, कि जब एक्स माइनस वन से छोटा है तो वैल्यू क्या आई, वन, जो आपका केस वन था। ये देखो, जब एक्स माइनस वन से छोटा है तो वैल्यू क्या आई, वन। जब एक्स माइनस वन से बड़ा और जीरो से छोटा है, तब आपकी वैल्यू क्या आई, माइनस टू एक्स माइनस वन। और जब एक्स आपका जीरो है, जीरो से बड़ा है, तो भी वैल्यू क्या आई, माइनस वन। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर? तो ये आपकी वैल्यूएशन आई। अब आप यहां पर ये फंक्शन की वैल्यू निकालती सब सभी उस पर। अब यहां पर हम लिमिट चेक करें, तो देखो यहां पर लिमिट जो चेक करने के लिए दो ही पॉइंट है आपके पास, एक है माइनस वन और एक है जीरो। ये मानते हो, जब मैं माइनस वन पे चेक करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरी यही होगी, एक्स माइनस वन से छोटा, और राइट हैंड लिमिट पे एक्स एक्स की फॉर्म में गिवन है, तो मुझे इसको सॉल्व करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेफ्ट हैंड लिमिट में तो सिंपल सी बात है भैया, आपने कहा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, तो ये कितना आएगा, वन आएगा। राइट हैंड लिमिट में ये लिखोगे ना, एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन प्लस, जो भी वैल्यू हो फाइनली इसको क्या लिखते हैं, एच अप्रोचेस टू जीरो। जब एक्स माइनस वन से बड़ा है, जब एक्स माइनस वन से बड़ा है, तो कैन आई से दैट जो फंक्शन की वैल्यू है वो माइनस टू एक्स माइनस वन है, जब एक्स माइनस वन से बड़ा है। तो आपने क्या लिखा कि जब एक्स माइनस वन से बड़ा है, यानी कि राइट हैंड लिमिट, तब फंक्शन की वैल्यू जो है माइनस टू एक्स माइनस वन है। फिर हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब अगर माइनस वन प्लस है तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस वन प्लस एच। तो एक्स की जगह आपने क्या लिखा, माइनस वन प्लस एच। अब एच की जगह जीरो रखो, तो ये माइनस टू और माइनस वन कितना हो जाएगा, टू और माइनस वन, तो कितना आ गया, वन। तो भैया ये भी वन, ये भी वन, तो ये कंटिन्यू कंटिन्यूस हुआ, डिसकंटिन्यूस हुआ, कंटिन्यूस। पहले बता दीजिए, समझ में आ रही है, क्लियर आया था? ठीक है, तो जब एक्स मैंने माइनस वन पे जब लिमिट को चेक किया, तो ये तो भैया इस पर तो कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं जीरो पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब एक्स जीरो से छोटा है, अब देखो इधर, जब एक्स जीरो से छोटा है, जब एक्स जीरो से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जीरो से बड़ा तो डायरेक्ट वैल्यू है आपके पास माइनस। जब एक्स जीरो से छोटा है, तो आपने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन एक्स इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, जब एक्स जीरो से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है माइनस टू एक्स माइनस वन। पहले बताओ ये क्लियर? ठीक है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस का मतलब एक्स की जगह क्या होगा, जीरो माइनस एच होगा, नहीं होगा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो जैसे आपने यहां पर एच की जगह जीरो पुट करोगे तो सारे ही जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है माइनस। और जब एक्स जीरो से बड़ा है, जब एक्स जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। तो यहां भी आपका जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, इस पॉइंट पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, दैट इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू। इस तरह से क्वेश्चन, पहले आपको पूरा फंक्शन बनाना पड़ेगा और फिर आप उसपे लिमिट्स को चेक करो। समझ में आ रहा है? अब मैं ये पूछूंगा इनकी, ये हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, इसमें ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है,
आपको जो पॉइंट्स यहाँ पर बनेंगे उन पॉइंट्स पर पहले फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, फिर उन पॉइंट्स पर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। कहाँ से हो? तो मुझे पता है आप ज्ञानी महाज्ञानी हो।